प्रकाशदीप मोबाइल पेश करते हैं मोबाइलों की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है प्रकाशदीप मोबाइल, जामा कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 2, 332 सागर। नागरिकता संशोधन बिल आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतिशाम हाशमी ने इसे गलत मानते हुए पिटीशन फाइल की है, जिसकी सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते शुरू होने वाली है। वहीं कैप का विरोध करने वाले जामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज होने से कई छात्र घायल हैं। इसको लेकर एहतिशाम हाशमी का कहना है कि वकील और भारतीय होने के नाते इसको बुरा मानता हूं। वहीं दिल्ली पुलिस का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। देखिए, कैप का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसको लाने की जरूरत क्या थी, मुझे कोई भी रीज़न समझ में नहीं आया। और जो भी नया कानून हिंदुस्तान में बनता है उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जो कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताए गए हैं और संविधान की प्रस्तावना में बताए गए हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं। जिस प्रीएम्बल की शुरुआत इन वर्ड से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड नो वन शैल शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। इसका जो हिंदी में अनुवाद मैं करूँगा वो ये है कि किसी को भी आप अलग नहीं कर सकते उसके रिलीजन धर्म की वजह से या उसकी जाति की वजह से या उसकी महिला या पुरुष है उसकी वजह से। लेकिन ये जो काला कानून एक बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन करता है। इसी को एक्ट को हमने चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी है, जिसकी हियरिंग अभी सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन शुरू होने वाली है, तो शायद जनवरी फर्स्ट वीक में इसकी हियरिंग होगी। पिटीशन मैंने खुद अपने नाम से फाइल करी है पूरे सागर वासियों की तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। लोगों को भड़काया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की बात है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हमारा देश गंगा जामनी तहजीब की मिसाल रहा है और वसुदेव कुटुंब का जो एक वाक्य है उसी पे हमारी सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और ये वसुदेव कुटुंब ये हमारी संसद भवन में भी वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन शायद हमारे गृहमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी ने शायद वो वाक्य को पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो फिर समझा नहीं कि उसका मतलब क्या है। वसुदेव कुटुंब का मतलब होता है सारी दुनिया हमारा परिवार है, सब हमारे भाई बहन है। और ये हमारा जो ग्रंथ है, हमारे जो वेद हैं, उसमें ये बात मेंशन है कि वसुदेव कुटुंब का मकसद क्या है, वो क्यों उसमें लाया गया था। और उसमें उसका जो अनुवाद है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी इंसान ये बात करता है कि वो मुझसे अलग है, मैं उससे अलग हूँ, वो हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, तो वो छोटे चित्त का इंसान है, वो अच्छे चित्त का इंसान नहीं है। और जो इंसान ये बात करता है कि सारा ब्रह्मांड, सारा हिंदुस्तान, सब भारतवासी हम भाई बहन हैं, वो अच्छे चित्त का इंसान है। आप वेद पढ़िए, आप ग्रंथ पढ़िए, आप सनातन धर्म की फिलॉसफी पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो काला कानून आया है ये असंवैधानिक है। सर, जामिया कॉलेज और एएमयू में इसको लेकर बवाल भी चल रहा है, छात्रों के साथ मारपीट की है। देखिए, एक बहुत गलत नैरेटिव जो गवर्नमेंट सेट कर रही है कि जामिया यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ पे 70% जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो हिंदू हैं, मतलब ज़्यादातर तादाद हिंदू स्टूडेंट्स की, वो वहाँ पे टॉप करते हैं। तो ये जो एक टैग लगा दिया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये टैग लगाना गलत है। ये एक स्टूडेंट्स का मार्च है जो कि अब डीयू भी कर रहा है, डीयू भी इस काले कानून का विरोध कर रहा है, क्योंकि वो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको संवैधानिक समझ है। तो संविधान जिसने पढ़ा है, जिसने आर्टिकल 21, 14 और 15 पढ़ा है, वो कोई भी पढ़ेगा, आज आप भी वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ये जो काला कानून आया, जो एक्ट बना दिया गया प्रेसिडेंट ने साइन करके, ये असंवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इस वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मारपीट की जा रही, कितना सही है मारपीट? देखिए, दिल्ली पुलिस की बहुत गैर जिम्मेदारा हरकत थी कि अगर स्टूडेंट कुछ गलती भी कर रहे थे तो उनको जिस तरह से गोलियां बरसाई गई हैं, जिस तरह से उन्हें लाठीचार्ज किया गया है और बच्चों के हाथ पर तोड़े गए हैं, उसकी मैं उसको मैं बुरा मानता हूं एज ए लॉयर और एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, थैंक यू सर। मोबाइल एक्सचेंज मेला, जी हां, प्रकाशदीप मोबाइल पेश करते हैं मोबाइलों की संपूर्ण श्रृंखला। वीवो, ओप्पो, नोकिया, माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, सैमसंग, लावा, पुराना मोबाइल लाएं और नया ले जाएं। 0% फाइनेंस सुविधा, 0% बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल एक्सेसरीज, चार्जर, एयरफोन, ब्लूटूथ, मोबाइल टच गार्ड, मोबाइल कवर, बैक कवर एवं सभी प्रकार की मोबाइल रिपेयरिंग। हमारा पता है प्रकाशदीप मोबाइल, जामा कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 2, 332 सागर। मोबाइल संबंधित किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें